नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 10 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू होगा गणेश उत्सव, बिहार में भी है खास तैयारी। बिहार में गैर हाजिर शिक्षकों और कर्मियों का कटेगा वेतन। बिहार विधान परिषद की एक सीट पर होगा उपचुनाव। बिहार में बढ़ने वाली है महिला थानाध्यक्षों की संख्या। चुनाव के लिए बिहार में इतने प्रेक्षकों की हुई तैनाती। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग JKPSC ने निकाली रिक्तियां। जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग ने सहायक प्रोफेसर के कुल मिलाकर 173 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए विषय की बात करें तो इसमें गणित, जैव रसायन, पर्यावरण विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर अनुप्रयोग, भूगोल, शिक्षा, हिंदी, राजनीति विज्ञान, उर्दू, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, इस्लामी अध्ययन, वाणिज्य, रेशम उत्पादन, यात्रा और यात्रा, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक रसायन विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान प्रबंधन तय की गई है। वही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषयों में मास्टर्स डिग्री और प्रासंगिक विषयों में UGC, नेट, सेट, स्लेट पास या PhD की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2021 तक आवेदन भर सकते हैं, जो कि आप आधिकारिक वेबसाइट www.jkpsc.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। से शुरू हुआ गणेश उत्सव, बिहार में भी है खास तैयारी। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर बीते कई दिनों से ही बाजारों में धूम देखने को मिल रही है। इसी बीच बिहार में भी गणेश उत्सव को लेकर खास तैयारी देखने को मिली, जिसके तहत पटना में इस बार श्री गणेश उत्सव में लालबाग के राजा का दरबार सजाया गया है। पटना स्थित महाराष्ट्र मंडल के भवन में 10 सितम्बर को सुबह 10:30 बजे प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक दिन श्री गणेश जी की विशेष सजा की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि कोरोना के कारण इस साल लालबाग के राजा की प्रतिमा सिर्फ 6 फीट की रहेगी। कोलकाता से हर दिन पूजा और श्रृंगार के लिए विशेष फूल लाया जाएगा। पूजा के लिए महाराष्ट्र से पंडित प्रशांत जहांगीरदार विशेष तौर पर आएंगे। बिहार के 3 IAS अधिकारियों को मिला केंद्रीय प्रतिनियुक्ति। बिहार कैडर के 3 IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर विरमित कर दिया गया है। बता दें कि इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव विजय लक्ष्मी, कृषि विभाग के निदेशक आदेश तितरमारे को नव पद स्थापन पर योगदान के लिए विरमित किया गया है। जारी आदेश में तितरमारे को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि विजय लक्ष्मी एन को कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इधर अमृत लाल मीना को वाणिज्यिक विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इन तीनों अधिकारियों को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं उद्योग विभाग ने सचिव नर्मदेश्वर लाल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का सचिव बनाया है। बारिश को लेकर आज भी कई जिलों में जारी है अलर्ट। पटना मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आज बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आज भी कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके तहत सिवान, सारण, किशनगंज, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ज्ञात हो पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई थी। धान के खेतों में पानी नहीं होने के कारण फसल मुरझाने लगी थी। बारिश से धान की फसल को नया जीवन मिल गया है, इससे किसानों के चेहरे पर भी रौनक आ गई है। गैर हाजिर शिक्षकों और कर्मियों का कटेगा वेतन। अब बिहार के स्कूलों में नाम मात्र पढ़ाने जा रहे शिक्षकों के वेतन में कटौती होने वाली है, जिसके तहत बिहार सरकार ऐसे शिक्षकों का वेतन काटने जा रही है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसे शिक्षकों का वेतन नो वर्क नो पे नियम के तहत कटने वाला है। इस बाबत शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिना जानकारी के स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के 21 जिलों में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के वेतन में कटौती की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने ऐसे 134 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने का भी निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। नीट परीक्षा के लिए राजधानी पटना में 4 सिटी कोऑर्डिनेटर की हुई नियुक्ति। कोरोना के मामलों में आई गिरावट के साथ ही बिहार समेत पूरे देश में नीट की परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इन सबके बीच नीट परीक्षा को लेकर पटना जिले के 4 सिटी कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति का काम भी कर लिया गया है, जिसके लिए केंद्रीय विद्यालय खगौल और केंद्रीय विद्यालय दानापुर के प्रचार्य के साथ साथ 2 निजी स्कूल के प्रचार्य की नियुक्ति हुई है। ज्ञात हो 12 सितम्बर को नीट की परीक्षा का आयोजन होने वाला है, जो कि देश के कुल मिलाकर 3,862 केंद्रों पर किया जाएगा। वहीं इस
बार पटना के लगभग 60,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए पटना जिले में 126 केंद्र बनाए गए हैं, वहीं पूरे बिहार में लगभग 190 के आसपास सेंटर बनाए गए हैं। सबसे अधिक पटना में सेंटर बनाए गए हैं। बिहार विधान परिषद की एक सीट पर होगा उपचुनाव। बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बाबत तारीखों की घोषणा भी कर दी है, जिसके तहत 4 अक्टूबर को वोटिंग करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड में आए तनवीर अख्तर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। कोरोना के कारण इसी साल उन्होंने आखिरी सांस ली है। 9 मई को उनके निधन के बाद विधान परिषद की रिया सीट खाली हो गई थी। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक है, लिहाजा अब उनकी खाली पड़ी सीट पर उपचुनाव होगा। बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक का हुआ आवंटन। बिहार को हाल ही में 4 मिनरल ब्लॉक का आवंटन किया गया है, जो कि बिहार के औरंगाबाद गया सासाराम जिले में आवंटित की गई है, जिसकी जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम ने दी है। इस बाबत उन्होंने बताया कि दिल्ली में खान मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में मिनरल उत्खनन की संभावनाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस दौरान ही बिहार को आवंटित मिनरल ब्लॉक में औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश और सासाराम में क्रोमियम निकेल का भंडार है, जो कि अब बिहार को आवंटित किया गया है। शर्तों के साथ होगा दुर्गा पूजा का आयोजन। बिहार में अगले महीने ही दुर्गा पूजा का आयोजन होने वाला है। हालांकि कोरोना के कारण पिछले साल भव्य पूजा का आयोजन नहीं करवाया जा सका था, लेकिन इस बार कुछ शर्तों के साथ दुर्गा पूजा के आयोजन की अनुमति दे दी गई है, जिसके तहत बगैर अनुमति के कहीं भी दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। नियमित शांति समिति की बैठक की जाएगी। इसके साथ ही दुर्गा पूजा का आयोजन पूजा केवल समितियां ही कर सकती हैं, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन जहां कार्यक्रम आयोजित होंगे, वहां सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखना होगा। ज्ञात हो इसको लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा की प्रतीक्षा सूची 15 दिन में जारी करेगा बीपीएससी। 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी करने और जितने भी पद खाली है उन्हें प्रतीक्षा सूची में भरने का निर्देश अगले 15 दिनों के भीतर करने का आदेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिया है। इस बाबत आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी परीक्षा के परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसका पालन लगभग सभी विभागों को करना चाहिए। इसके साथ ही साथ 64वीं बीपीएससी की मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित प्रथम 20 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की सत्यापित कॉपी की प्रति आयोग के समक्ष 7 कार्य दिवस के भीतर देने को भी कहा गया है। बिहार में बढ़ने वाली है महिला थानाध्यक्षों की संख्या। बिहार में जल्द ही महिला थानाध्यक्षों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार में तैनात महिला थानाध्यक्षों की पूरी सूची गृह विभाग को सौंप दी गई है। जानकारों की माने तो महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में इसीलिए इजाफा हुआ है क्योंकि बिहार में सिपाही से लेकर दरोगा तक की सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से बिहार में तैनात महिला पुलिसकर्मियों का ब्यौरा मांगा था। पीएचक्यू ने जो आंकड़े गृह विभाग को दिए हैं उसके मुताबिक बिहार में महिला थानाध्यक्षों का प्रतिशत 4.38% है, यानी कि बिहार में कुल मिलाकर 55,000 पुलिसकर्मी हैं, जिनमें 13,718 महिला पुलिसकर्मी हैं। वहीं थानों में पदस्थापित महिला पुलिस पदाधिकारियों का प्रतिशत 39% है। फेस्टिव सीजन में बिहार आने वाले यात्रियों को मिली राहत। बिहार में जल्द ही त्योहारों के मौसम की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में बिहार से बाहर रह रहे लोग अब धीरे धीरे त्योहार में शामिल होने के लिए आने लगेंगे। हालांकि हर बार तो ऐसा होता है कि त्योहारों का सीजन हो तो बिहार आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बिहार आने वाले यात्रियों को इस बार दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट के फ्लाइट के टिकट प्राइस में कोई बदलाव नहीं करने की बात कही गई है, यानी कि दरभंगा आने वाले विमानों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल जहां दुर्गा पूजा में दिल्ली से दरभंगा आने के लिए यात्रियों को एक टिकट के लिए 8,000 रुपए चुकाने होते थे, वहीं इस बार 4,000 में टिकट मिल रहा है। भविष्य निधि खाते अब दो अलग अलग अकाउंट से होंगे विभाजित। मौजूदा भविष्य निधि खातों को दो अलग अलग अकाउंट से विभाजित किया जाएगा, जिसके तहत अब प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए पीएफ अकाउंट में ही एक अलग अकाउंट खुलेगा। सभी मौजूदा ईपीएफ खातों को कर योग्य और गैर कर योग्य योगदान खातों में विभाजित किया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने नए आयकर नियमों को अधिसूचित किया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद अब वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग अलग की जाएगी।
जदयू के नए जिला प्रभारियों की जारी हुई लिस्ट, जिस बात को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे वो आखिरकार सच हो ही गया। जदयू में बदलाव को लेकर आ रही खबरों पर बीते दिन मुहर लग गया, जिसको लेकर बीते दिन ही जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बैठक बुलाई थी। बैठक में ही जदयू में सांगठनिक बदलाव करते हुए लोकसभा और विधानसभा प्रभारियों की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड ने सभी जिला में दो दो प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। पार्टी ने इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसके तहत पूर्व मंत्री अजीत चौधरी को औरंगाबाद का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व विधायक ललन पासवान को गया जिले का प्रभारी बनाया गया है। नंदकिशोर सिंह उनके साथ ही प्रभारी होंगे। पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह को जमुई का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य लोगों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। ऑफिसर के बजाय अब ये जारी करेंगे जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र। अब तक जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने आप जाते थे तो आपको ये सभी कागजात सर्कल ऑफिसर के हाथों मिलता था, लेकिन अब जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र आपको सर्कल ऑफिसर नहीं बल्कि अब राजस्व अधिकारी सर्टिफिकेट जारी करेंगे। जानकारों की माने तो बिहार में अंचल अधिकारी राजस्व संबंधी मुख्य काम परिमार्जन आदि पर फोकस कर सके, इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उनके काम के बोझ को कम कर दिया है। उनकी कई जिम्मेदारियों को बांट कर किया जा रहा है। जाति निवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों को देने का निर्णय लिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए बिहार में इतने प्रेक्षकों की हुई तैनाती। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। पहले चरण के नामांकन के खत्म होने के साथ ही दूसरे चरण का नामांकन जारी है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षकों की तैनाती चुनाव को ध्यान में रखकर कर दी है, जिसके तहत बिहार पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 170 प्रेक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके तहत विभिन्न विभागों में तैनात एडीएम, उप सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को प्रेक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रेक्षकों की ट्रेनिंग भी सोन भवन में शुरू हो गई है। इधर पटना के सभी 23 प्रखंडों में बीडीओ को ही निर्वाची अधिकारी बनाया गया है। ज्ञात हो सभी बीडीओ अपने अपने प्रखंड में निर्वाची अधिकारी बनाए गए हैं। 13 सितंबर को बिहार आ सकते हैं लालू। जिस बात का इंतजार राजद समर्थकों को था वो सच हो सकता है। उनके मुखिया लालू यादव जल्द ही बिहार आ सकते हैं। ज्ञात हो 13 सितंबर को रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर जानकारों की माने तो लालू यादव बिहार आ सकते हैं। रघुवंश सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह ने श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया है। राजद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर लालू यादव पटना आते हैं तो वो रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही 12 को रामविलास पासवान की भी बरखी है और चिराग ने उन्हें बरखी में आने का न्योता भी दिया है, जिसके बाद अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी बिहार में जल्द ही वापसी हो सकती है। कांग्रेसी कद्दावर नेता सदानंद सिंह का राजकीय सम्मान के साथ कहलगांव में हुआ अंतिम संस्कार। कांग्रेस के पूर्व विधायक सदानंद सिंह ने बुधवार को आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद बीते दिन राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसके तहत ही बीते दिन भागलपुर के कहलगांव के कांग्रेस प्रखंड कार्यालय से सदानंद सिंह की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने सदानंद सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए। इससे पहले धुआवे गांव स्थित सदानंद सिंह के आवास पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ा था। वहीं नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पहले चरण का नामांकन हुआ खत्म, इतने लोगों ने भरा नामांकन। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के पहले चरण के मतदान के लिए 12,000 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। बता दें कि पहले चरण के नामांकन का सिलसिला अब थम गया है। 2 सितंबर से 8 सितंबर तक नामांकन कार्य चला। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होना था। आपको बता दें कि 151 पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में 12,000 से अधिक पर्चों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसमें 6,000 से ज्यादा महिलाओं ने नामांकन कराया है। इस बार ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन नामांकन भी करवाया गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 10 जिलों में पहले से ज्यादा पर्चे भरे गए हैं, जिसके बाद अब पहले चरण में दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच 11 सितंबर तक होगी। 13 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। पाठ्यक्रम से जुड़े रहेंगे जेपी और लोहिया के विचार। बिहार के समाजवादी नेताओं का नाम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से बाहर होने के बाद खड़े हुए विवाद का अब समापन होता दिख रहा है। गुरुवार को राज्यपाल की अध्यक्षता में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति की आवश्यक बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में विभिन्न पाठ्यक्रमों में हुए बदलाव के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े अन्य मामलों पर भी चर्चा की गई। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को राजनीति विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से बाहर किए जाने पर सरकार ने आपत्ति जताई थी। इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को धन्यवाद देते हुए बताया कि इस उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जेपी और लोहिया के विचारों को पाठ्यक्रम में फिर से शामिल किया जाएगा। ईशान किशन के T20 वर्ल्ड कप में चुने जाने पर खुश है घरवाले।
बिहार के लाल ईशान किशन का चयन T20 वर्ल्ड कप के लिए कर लिया गया है, जिसके बाद ही बिहार में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच अब ईशान किशन के चयन को लेकर परिवार वालों ने भी खुशी जताई है, जिसके तहत आस पड़ोस के लोग और सगे संबंधी सारे ईशान किशन के घर जाकर बधाई देने में लगे हुए हैं और ईशान किशन के अच्छे परफॉर्मेंस की कामना करने लगे हैं। ज्ञात हो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन किया गया है, जिसमें बतौर कप्तान विराट कोहली हैं और उपकप्तान की भूमिका रोहित शर्मा निभाने वाले हैं। इन सबके बीच एक और खास बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की भी वापसी हो रही है, जिसके तहत वो इस खेल में बतौर मेंटोर नजर आने वाले हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का 1976 में लाहौर में आज के दिन उसे अपहरण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में 1996 को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 3 के मुकाबले 158 मतों से स्वीकृत किया गया था। भारत सहित 3 देशों द्वारा संधि का विरोध भी हुआ था। भारत अमेरिका रणनीतिक सहयोग को 2011 में 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण और अपरिहार्य बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि दोनों देश के बीच गहरे और व्यापक संबंध है, जिनका उद्देश्य एशिया और दुनिया में शांति और समृद्धि कायम करना है। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित और सम्मानित लेखिका चित्रा मृदगल का जन्म 1944 को आज के दिन हुआ था। भारत के जाने माने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का जन्म 1972 को आज के दिन हुआ था। भारतीय क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ मुखर्जी का निधन 1915 में आज के दिन हुआ था। 27 सितंबर से इन फोन में नहीं काम करेगा गूगल मैप। एंड्रॉइड यूजर के लिए बुरी खबर है। गूगल ने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एंड्रॉइड फोन में गूगल मैप्स, यूट्यूब और जीमेल का सपोर्ट नहीं देने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यूके में 27 सितंबर से पुराने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले यूजर गूगल अकाउंट लॉग इन नहीं कर पाएंगे। गूगल के मुताबिक एंड्रॉइड वर्जन 2.3 का इस्तेमाल करने वाले यूजर 27 सितंबर से गूगल मैप, यूट्यूब और जीमेल का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगे। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,290 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,740 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.54 रुपए प्रति लीटर था। विधायक मेवालाल और नीता चौधरी को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए सीएम नीतीश। तारापुर के दिवंगत विधायक स्वर्गीय मेवालाल चौधरी और नीता चौधरी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने बीते दिन सीएम नीतीश पहुंचे, जहां उन्होंने इन दोनों ही विधायकों को श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश थोड़े भावुक भी दिखे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बड़े भाई और भतीजे नीलेश चौधरी से बातचीत भी की। सीएम ने विधायक के भतीजे नीलेश को संपर्क में रहने को कहा। ज्ञात हो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था, जिसके बाद ही सीएम श्रद्धांजलि सभा का हिस्सा बने। आपको बता दें सीएम का यह निजी दौरा था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अंकित कुमार सिंह, प्रजापति अमन, विकास प्रजापति, नरेश कुमार, शंकर मुखिया, नीतीश कुमार, रामबाबू कुमार, सुजीत पटेल, रामू कुमार, संतोष कुमार, अमृता कुमारी, दिव्यांशु कुमारी, ललन राम, आदर्श ट्यूशन, गुड्डू कुमार, ममता सिन्हा, आतिक खान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में किस टीम का पलराज ज्यादा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।